मरगांव मंडान तहसील तोसम जिला भिवानी जो हमारी नर्सरी है, और आज हमारे नर्सरी के ऊपर जो है वो ग्राफ्टिंग का काम चल रहा है। तो आपने अगर तक हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लीजिए, ताकि हम आपको पेड़ पौधों संबंधित जितनी जानकारी है वो समय समय पर देते रहें। ये इस तरीके का रोल आता है जो आपको अभी दिखाएंगे, इसको टेपिंग जो करनी होती है वो किस तरीके का होता है। तो ये देखिए, ये इस तरीके से रोल होता है, ये हवा होता है, और इस तरीके से उंगली से इसको है वो अलग अलग कर लिया जाता है, एक पट्टी टाइप बन जाता है, और इस तरीके से बाद को इसमें रोल कर लिया जाता है। ये देखिए आप, तो ये देखिए इस तरीके से करने के बाद इसको चाकू से हम इस तरीके से एक साइड से वो काट लेते हैं, काटने के बाद इसको दूसरी साइड भी हम इस तरीके से काट लेते हैं, और ये हमारा जो है वो तैयार हो चुकी है। तो ये देखिए जो हमारे ग्राफ्टिंग का काम हो चल रहा है, ग्राफ्टिंग का समय हो जो होता है वो फरवरी में स्टार्ट हो जाता है, और फरवरी लास्ट तक जो है वो सबसे बेस्ट जो टाइम है वो चल रहा है। और आज हमारे यहाँ पे अमरूद की ग्राफ्टिंग हो रही है, तो आपको स्टेप बाय स्टेप हम दिखाएंगे जो ग्राफ्टिंग है वो किस तरीके से करते हैं। तो आप हमारे चैनल पे बने रहिए, और ज़्यादा से ज़्यादा इस वीडियो को शेयर और सब्सक्राइब है चैनल को वो कर लीजिए, ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक ये जानकारी है वो पहुँचे। तो हमारे पास ये डंडी है, ये किस प्रकार की डंडी होती है जो हमें प्लांट से लेनी होती है? सीधे एकदम बगैर फुटाव वाली, बगैर फुटाव की डंडी होनी चाहिए। और हम कितना काटते हैं इस डंडी को, ये देखिए हम दिखाते हैं कलम जो चढ़ने का तरीका है। छोटे अंकुर पास पास में है तो 5 कटेंगे, अगर दूरी दूरी पर है 4 कटेगी, इसमें 4 कटेगी। चलो मल, ये जो फुटाव है ये 4 होना चाहिए, ये 4, अगर नज़दीक नज़दीक है तो 5। ठीक है, ये काट के दिखाइए मुझे। ये देखिए इस तरीके से हम इसकी कटिंग है जो कर लेते हैं ग्राफ्टिंग के समय। और ये कब तक, मतलब ये डंडी है जो कटने लायक हो जाती है? लास्ट फरवरी तक हम इसकी ग्राफ्टिंग कर सकते हैं। और ये डंडी मतलब कटने के बाद कितने टाइम तक हम इसको यूज़ कर सकते हैं? एक हफ्ता पानी पड़ता रहे लगातार, हमें पानी गिराते रहो और छाँव में ढक के इसको रख दो। तो इस तरीके से ये देखिए हमने कटिंग कर लिया, अभी आपको दिखाते हैं इस पर जो ये चढ़ने का तरीका वो कैसे है। तो ये देखिए जो हमारा पौधा है इसको कितने ऊपर से काटना होता है हमें जो कटिंग करनी है? हमारा कम से कम जो है कम से कम 12 इंच या 13 इंच के ऊपर हम इसको काटते हैं ऐसे, इसको हम काट लेते हैं इस तरीके से। हाँ जी, इसको ऐसे काटते हैं, मतलब 12-13 इंच है ऊपर से इसको हम काट देते हैं। और काट के दिखाइए जो हमारे जमींदार भाई हैं देख रहे हैं जो हमारे चैनल को, इसको ऐसे काटते हैं, इसको काटने के बाद में इसको जो है अलग कर देते हैं, बिल्कुल इसको अलग रख देते हैं, सीधा निकल आता है। ठीक है ठीक है, फिर इस पे जो ग्राफ्टिंग की जो कलम है वो किस तरीके से डालते हैं? ग्राफ्टिंग के लिए क्या क्या चीज़ जरूरी है पहले तो ये बताइए। हमारे लिए एक छुरी चाहिए कटिंग करने के लिए, इसके लिए ये चाहिए जी, और कलम ये अलग से हमारी होती है जो पौधे से निकाली जाती है, जिस चीज़ की बनवानी हो, बर्फ खाना हो या टाइपिंग हो या फिर सफ़ेदा हो, कोई भी वैरायटी हो, कोई भी वैरायटी हो उसकी जो है हमें डंडी चाहिए, ये डंडी कलम। ये तो बता दिया था कि इतने चाहिए, ये हाँ। जो इस पे बंधेगा ये, उसके बाद में हम इसको ऐसे करते हैं कि मतलब ये जो कटिंग किया हमने इसको जो है इसका साइज़ हम ढूंढते हैं, जैसे ये इसका साइज ये है, मोटा है तो मोटे पर ये हम निकालेंगे, पतला है तो पतले पर पतला निकालेंगे, मीडियम है तो मीडियम का मीडियम पे निकालेंगे, इसको साइज का होना चाहिए हमें। मतलब जिस पौधे जो अपनी डंडी है उसी हिसाब के अपने पास कलम हाँ, होनी चाहिए हाँ, उसका रिजल्ट ज़्यादा बेटर रहेगा। उसका रिजल्ट जो है हमारा जो है साइड का जो है बिल्कुल चिपका होना चाहिए, जैसे ये है इसको हमने किया, इसको ऐसे ऐसे इसको कर दिया जी, चीड़ दिया, और चीड़ने के बाद में इसको छील करके हमने ये हमने बना दिया, इसको बिल्कुल साइज बिल्कुल फिटिंग बैठनी चाहिए इसकी। ठीक है, तो अपना रिजल्ट इसका बेहतरीन आता है। एक और छील के दिखाइए बारीकी से, बारीकी से हम छील के बताइए कि क्या क्या इसमें सावधानी रखनी है जो हमें। सावधानी, ये छुरी जो है बहुत तेज़ होती है हम लोगों की, इसको छीलने से पहले बहुत सावधानी बरतनी चाहिए, वरना जो है हाथ कट जाते हैं। ये देखो इस तरीके से हाथ तरीके से कट जाता है। अच्छा, ये बिल्कुल मतलब हरी होनी हाँ, चाहिए, बिल्कुल हरी होनी चाहिए, सूखना नहीं चाहिए, इसको पानी में भिगोना चाहिए ज़्यादा से ज़्यादातर। ठीक है ठीक है, चाहे इसको 6-7 दिन तक इसको जिंदा रख सकते हैं हम लोग इसको, और इस तरीके से बिल्कुल परफेक्ट आनी चाहिए। हाँ, बिल्कुल। ये देखिए आप इस पे बिल्कुल परफेक्ट तरीके से इस पे आई हुई है, और इस पे कागज और बांध के दिखाइए जो, और उसके बाद में ये जो है इसको, ये कितने लंबाई का होता है ये जो कागज होता है अपना जो? ये भी जो है 12-13 इंच का कम से कम काटा जाता है, ये पौधों के हिसाब से मोटा है तो उसे बड़ा भी ले सकते हैं, भी काट सकते हैं इसको ऐसे लपेट करके, पूरा इसको कहीं भी इसकी जो है जगह ऊपर से नीचे से लेकर जितने में हम लोग चीरा लगाते हैं या बंद करते हैं इसको, कहीं से खुला ना रहना चाहिए इसको, इसको पूरा बंद कर देते हैं इस पन्नी से। इसमें जब पसीना छूटेगा ये आपको जोड़ देगा, इसको जो जॉइंटर है इसका ये जॉइंट हो जाएगा, इसमें पानी छोड़ेगा जी, जी। तो ये देखिए इस तरीके से ये जो हमारे एक और हैं ये इसको सभी को, ये इनका सबका अलग अलग काम है, इस तरीके से इसको चीर देते हैं। और फिर जो अगला बंदा है वो इस तरीके से आपको दिखाई दे रहा होगा जो छील छील के है, वो इसके अंदर जो कलम है साइज़ देख के
कि किस साइज़ का जो हमारा कलम है वो इस तरीके से इसमें छील के और इसमें डालता रहेगा, और इसी तरीके से पीछे एक बंदा और जो है वो इसको बांधता रहेगा, और पीछे आपको दिखाई दे रहा होगा कि किस तरीके से जो है वो बंध चुकी हैं। और उसके बाद में है कैप, ये इस तरीके से चढ़ती है, मुझे दिखाइए आप, ये इस तरीके से कैप होती है। ये अगर आप घर पे चढ़ाना चाह रहे हो एक दो पौधे पे, तो जो अपने अगरबत्ती होती है, अगरबत्ती की डब्बी होती है, उसमें निकलता है सारे पर, वो भी आप चढ़ा दे सकते हो। और ये स्पेशली अगर जो आपको लंबे चौड़े एरिया में जो ग्राफ्टिंग करवानी है कुछ प्लांटों के, तो ये स्पेशल मिल जाती है बाज़ार में। तो इस चीज़ को इस तरीके से डालते हैं, ये आपको अभी डाल के दिखाएंगे हम लोग। देखिए इस तरीके से इसको यहाँ से पकड़ के और इसको अच्छे तरीके से हम इसमें डाल देते हैं। ये देखिए, ये जो हमारी ग्राफ्टिंग है उससे नीचे इसको चला जाना चाहिए इस तरीके से, ये आपको दिखाई दे रहा होगा। ये देखिए इस तरीके से जो ग्राफ्टिंग हो रही है, पीछे पीछे जो कैपिंग का काम है वो चल रहा है। इस साइड में हमने कैपिंग का काम है वो पूरा कर लिया है, ये आपको दिखाई दे रहा होगा। तो अगर आपको ग्राफ्टिंग करवानी है तो आप थोड़ा सा संभल के और अच्छे तरीके से ग्राफ्टिंग करवाइए, किसी जो एक्सपर्ट हो उनसे ग्राफ्टिंग करवाइए। क्योंकि अगर आप वैसे करते हो, एक दो करते हो तो कोई बात नहीं, अगर लंबे चौड़े एरिया में करवाते हो, यानी कि बहुत ज़्यादा प्लांटों पर करवाते हो, तो एक्सपर्ट बंदा उसी से करवाइए ताकि उसका रिजल्ट अच्छा रहे। क्योंकि जब ये ग्राफ्टिंग कराते हैं तो बहुत सी चीज़ों का ध्यान रखना पड़ता है, जो नए नए बंदे को उसकी जानकारी नहीं होती। तो देखिए, जो हमने एक महीना हो चुका है जो हमारी ग्राफ्टिंग को, जो आपको पूरा एरिया दिखाई दे रहा होगा, ये देखिए जो हमने कलम ग्राफ्टिंग करवाई थी, उसको आज एक महीने बाद में दिखाते हैं आपको उस पर फुटाव कैसा होता है। ये देखिए जो उसके अंदर जो है वो फुटाव, कलियाँ कितने अच्छे तरीके से भर चुकी हैं, ये देखिए आप, किसी में छोटा है किसी में बड़ा है। और साथ के साथ देसी का फुटाव भी आपको दिखाई दे रहा है, अगर आपने ऐसे ग्राफ्टिंग करवाई थी, इसको हटा दीजिए इस तरीके से, तो ये आप देख सकते हैं, ये देखिए आप। लेकिन ये आपको कैप अभी नहीं हटानी है, ये आपको हटानी है करीबन करीबन जब इसमें पूरा का पूरा जो है प्लांट्स है वो पत्तियां हैं वो इसमें जो इस कैप के अंदर है ना वो समाने रह जाएं, यानी कि इसमें ना आए, यानी कि इतना ज़्यादा भर जाइए, तब आपको यहाँ से हटाना है। तो आप ज़्यादा से ज़्यादा लाइक शेयर और सब्सक्राइब करें। और हिसार सफ़ेद अमरूद के अगर पौधे चाहिए तो हमारे पास अमरूद काफ़ी मात्रा में है, जो आप हमसे प्राप्त कर सकते हैं। तो आप हमारी वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर और सब्सक्राइब करें, ताकि हम आपके लिए जो पेड़ पौधों से संबंधित जितनी जानकारियां हैं वो आपको समय समय पर लाते रहें। धन्यवाद।